بسم الله الرحمن الرحيم

इससे पहले कि प्रोग्राम का आगाज किया जाए तलावत क़ुरान पाक के लिए दावत देंगे ब्रादरम मोहम्मद इकबाल साहब को कि वो आए और तिलावत कलाम पाक पेश करें يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني إلى أجل, قريب الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون दोस्तों ये प्रोग्राम मुबरज़ इस्लामिक सेंटर की जानब से बतारीख़ ग्यारह रबी उसानी सन चौदह सौ चौंतीस हिजरी बरोज जमेर मुताबिक इक्कीस फरवरी सन 2014 को मुनद हो रहा है जिसके महाजिर आपके जाने पहचाने शेख मोहम्मद नसीम मोहम्मदी हफीज़ा खिताब फरमा रहे हैं और मौजू स सुखन है कदम उठने से पहले पाँच सवाल कदम हटने से पहले पांच सवाल शेख मोहतरम से गुजारिश है कि अपने محاضره का आगाज करें अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू इन अलहमदुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिहू व नूमनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يقوم الناس لرب العالمين محترم حاضرين مجلس ديني اور اسلامی بھائیو سب سے پہلے उस मालिक-ul-मुल्क और उस जात जो क़्यामत के दिन का मालिक है उसकी तारीफ हमदोसना बयान करना हमारे ऊपर वाजिब ज़रूरी है उसके बाद उस मुबारका मतहरा मुकद्दसा पर बेशुमार दरूद सलाम नाजिल हूँ कि जिसने हमें आगाह फरमा दिया है मतनब कर दिया है कि हम उस दिन के लिए तैयार रहें कि जिस दिन साप की हाज़री होगी साप को जिसके सामने हाजरी देना है खड़ा होना है उस दिन से पहले हम तैयारी कर लें मेरे भाइयों आज का ये प्रोग्राम महाना इजलास इस्लामिक सेंटर मुबरस का जिसका है कदम हटने से पहले पांच सवाल इसी इसीवान के तहत इसी मौजू पर आज किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल वसल्लम की रोशनी में कुछ व तफ़ीम और कुछ बातें होंगी मेरे भाइयों इंसान को अल्लाह अज्जा वजल ने इस दुनिया में पैदा किया है और हम सब को ये मालूम है कि हमेशा हमेशा हमें इस दुनिया में नहीं रहना है बल्कि जो हमारा मुशाहदा है हमने जो देखा है अपने माशरे में अपने आस पास क्या देखा है कि जिसका वक्त पूरा हो जाता है वो हमसे रुखसत हो जाता है जुदा हो जाता है और इस दुनिया से कूच कर जाता है और फिर हमारा ये भी ईमान है कि उसके बाद भी एक दुनिया है उसके बाद भी एक वादा है एक मौद है मरने के बाद हम सब को हाजिर होना है ना चाहते हुए भी हमें उसके दरबार में हाजिरी देनी है और वो है क़यामत का दिन मेरे भाइयों क़यामत का दिन के बारे में अल्लाह तबार व तआला फ़रमाता है कि अगो याद करो उस दिन को य उमायकूमन्नासल रब्बिलमीन उस दिन को याद करो कि जब लोग रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होंगे रब्बुल आलमीन होगा और सिर्फ उसी की बादशाहत होगी सिर्फ़ उसी की चलेगी उसका फ़ैसला अटल फैसला होगा उस फैसले पर कोई जरा नहीं कर सकता है उस फैसले पर कोई फिर दोबारा केस नहीं कर सकता है वो अदालत सबसे बड़ी अदालत होगी और उस अदालत में जो फैसला हो जाएगा हो जाएगा किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी लब कुशाई करने की वहाँ पर इसीलिए ऐलान करने वाला ऐलान करेगा लिमन मुल्कुल यौम कहेगा सुन लो और बतलाओ आज कौन फैसला सुनाएगा आज का बादशाह कौन है आज का हाकिम कौन है कुरान मजीद में है कहार अरे आज तो उस अल्लाह वाहिद की है जो बड़ा जबरदस्त है बड़ा ज़बरदस्त बड़े ज़बरदस्त अल्लाह की बादशाहत आज है आज उसी का हुक्म चलेगा मेरे भाइयों क्यामत का आलम होगा अम्बिया और सुलह और सारे के सारे लोग नफसी नफसी में होंगे आदम सलासलाम नू आ सलात वाम इब्राहीम सलात वाम मऊसा सलात वसलाम ईसा सलात वसलाम हमारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम के तमाम लोग उस दिन क्या होंगे नफसी नफसी के आलम में होंगे और सब का एक ही जुमला होगा सब यही बात कहेंगे कि आज मेरा रब इतना नाराज़ है इतने ग़ज़ब में है कि इतना कभी वो गैज़ में नहीं था मेरे भाइयों तस्वर कीजिए कि उस वक्त का आलम क्या होगा सबकी हाजिरी भी होगी और मालिकुल मुल्क उस वक्त गैज़ो गज़ब में होगा जाहो जलाल में होगा दुनिया में हमारे ऊपर रब की रहमतें ही रहमतें हैं और आखिरत में सब कहेंगे कि आज हमारा परवरदिगार आज हमारा रब इतना नाराज़ है इतना गुस्से में है कि इतना कभी गुस्से में नहीं था मेरे भाइयों जब अल्लाह इतना गुस्सा अल्लाह का होगा उस दिन कि जितना कभी उसने गुस्से में गुस्सा किया ही नहीं था तो फिर उस वक्त उसके जाहो जलाल का आलम क्या होगा ऐसे वक्त में मेरे भाइयों सारी इंसानियत अपने मालिक के सामने होगी और वहां पर मेरे भाइयों कोई ऐसे सवालात नहीं पूछे जाएंगे जो सवालात आपसे अचानक किए जाएं कोई अचानक सवाल आपसे नहीं किए जाएंगे बल्कि वो सारे सवालात अल्लाह अज्जाजल दुनिया ही में बतला दिए हैं आप जानते हैं कि मौत इंसान जब मरता है तो उसकी सबसे पहली मंजिल क्या होती है कब्र होती है और कब्र में तीन सवाल होंगे वो सवाल भी सबको पता है तीन सवाल कब्र में होंगे वो उसके बारे में सबको मालूम है कि हमें कब्र में हमसे क्या क्या सवाल होंगे उसके बाद जब महशर का दिन होगा उस दिन भी सबसे पहला जो सवाल होगा वो भी सबको पता है सबसे पहला पहले अल्लाह वज़ल किस चीज़ के बारे में बंदों से सवाल करेगा वो भी मालूम है और वो सवाल है नमाज के बारे में सबसे पहला सवाल अगर उसकी नमाज मुकम्मल है तब तो आगे का रास्ता हमवार होगा नहीं तो वहीं धर लिए जाएंगे अगर कब्र की मंजिल हमारी आसान हो गई तो आगे के सवालात हमारे आसान हैं लेकिन अगर वहीं हम फंस गए तो फिर हम वहीं पे धर लिए जाएंगे वहीं दपोच लिए जाएंगे और फिर अल्लाह के अजाब व गज़ब का सिलसिला शुरू हो जाएगा इसलिए ये समझने की ज़रूरत है कि मौत से पहले हम अपनी तैयारी करें आइए हम देखें कि अल्लाह वजल क़ब्र के अजाब से हमने छुटकारा पा लिया और पहले सवाल से भी हमने छुटकारा पा लिया उसके बाद भी उसके बाद भी हमसे सवाल होंगे और वो सवाल कौन से होंगे वो पाँच सवाल होंगे वो पाँच सवाल होंगे जब तक कि आप इस पांच सवाल का जवाब ना दे दें आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं आगे नहीं हट सकते हैं इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं ला तजूल कदम इब्न आदम यम रबी कि इब्ने आदम का कदम नहीं हटेगा तो क़यामत के दिन उसके रब के पास से जब तक अल-अन हत्यायुसमस जब तक कि पांच चीजों के बारे में उससे सवाल ना हो जाए उनमें से सबसे पहला सवाल अन उम्र फीमा अफनाह उसके उम्र के बारे में पूछा जाएगा कि उसने अपने उम्र को कहाँ खत्म किया है मेरे भाइयों अब देखिए कि जब से बंदे ने होश संभाली उसी वक्त से उसके एक एक पल की गिनती और उसका हिसाब शुरू हो जाता है इसीलिए लिए अल्लाह रजाजल ने फरमाया कि यालमून मा मै किरामन कातिबीन क्रामन मा या लिखने वाले फरश्ते होंगे हर हर बंदे के पास और जो भी अमल करेगा वो लिखा जाएगा नोट होगा और फिर अल्लाह जल के सामने उसको पेश किया जाएगा इसलिए ये दुनिया अल्लाह ताला फरमाता है अफा इलैना तुम खलकुम क्या तुम लोगों ने यह सोच रखा है ये गुमान कर रखा है कि इस दुनिया में ऐसे ही पैदा किए गए हो और तुम हमारे पास उठा के नहीं आओगे हमारे पास लौटाए नहीं जाओगे क्या ये तुम्हारा ख्याल है ये तुम्हारी सोच है यह सोच क्या है गलत है यह सोच गलत है ये अल्लाह तबारक वाला जब बंदा सामने होगा आहो बुका करेगा रोएगा चिल्लाएगा कि अल्लाह हमें मोहलत दे दे हम अपने उम्र फिर से सही कर लें, तो अल्लाह क्या फरमाएगा कल्ला इन नहा कलीमत हरगिज नहीं, नहीं हो सकता है दोबारा उसको नहीं लौटाया जाएगा ये पूरी जिंदगी इंसान की मोहलत है इसलिए इस दुनिया में हमें किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है हमारे उम्र के बारे में पूछा जाएगा हमने अपने उम्र को कहाँ खवा खपाया कहाँ गंवाया है कहाँ खर्च किया है मेरे भाइयों क्या हमने इस उम्र को अल्लाह के डर में अल्लाह की इबादत में ख़र्च किया है या दुनियावी लहु लिब में पढ़ करके हराम और हलाल की तमीज़ नहीं और इधर उधर के मजालिस में बैठ करके के हम अपने आप को अपने अपनी उम्रों को गंवा दिए ना नमाज से मतलब है इबादतों से मतलब है आप ये तस्वर कीजिए कि जिस रब ने हमें पैदा किया है उस रब ने हमें यह मकसद भी बतला दिया है कि हजरत इंसान हमने तुझको क्यों पैदा किया है यह भी बतला दिया रिस्क अल्लाह दे रहा है इन मतीन अल्लाह रिस्क देने वाला है हम अल्लाह का रिस्क खा रहे हैं और यह भी नहीं पता है कि अल्लाह हमें ये रिस्क हमें क्यों दिया है क्यों हमें पैदा किया है अल्लाह फरमाता है वमा इल्ला व्यादून हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है मेरी इबादत के लिए पैदा किया है मेरी मर्जी के मुताबिक अमल करने के लिए पैदा किया है अब कोई इंसान ऐसा अमल उसको करने का हुक्म नहीं है जिस अमल से उसका रब नाराज हो जाता है उसका रब नाराज हो जाता है और इसीलिए अल्लाह व उजल ने यह कहा कि ठीक है हम तुम्हें ढील दे रहे हैं हम तुम्हें ढील दे रहे हैं लेकिन तुम हमसे बच नहीं सकते हो हमारे पास तुम्हें आना है और अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब देना पड़ेगा उम्र के बारे में पूछा जाएगा पहला सवाल क्या होगा पांचों में से कि उम्र के बारे में अपने इस उम्र को साठ साल उम्र अस्सी साल उम्र सौ साल उम्र जितनी उम्र तुम्हें मिली है इस उम्र का हिसाब दो ऐसे नहीं ये ये उम्र हमने तुम्हें पूरा एक उसका हिसाब बतलाया था कि तुम्हें ये करना है तुम्हें ये करना है तुम्हें ये करना है तुमने किस तरह से हमारे हुक्म की पासदारी की है इसका जवाब देना पड़ेगा मेरे भाइयों इसीलिए हमारे असलाफ साहब कराम रजवा अजमाइन की जिंदगियां कैसे होती थी आप देखिए कि क्या उनकी फिक्र उनकी सोच उनकी दो जिंदगी का मतलब क्या यह था कि वो दुनिया आबाद करें क्या उनकी सोच और उनकी फ़िक्र उनका मतमह नज़र उनका मकसद ज़िंदगी का सिर्फ़ ये था कि वो बिल्डिंगें बनाएं अच्छे से अच्छा खाएं अच्छे से अच्छे सवारी करें अच्छे से अच्छे घर में रहें क्या ये उनका सो, उनकी सोच थी नहीं मेरे भाइयों उनकी सोच नहीं थी इसीलिए तो हज़रत उमर ने क्या फरमाया था फरमाया था <coughs> हज़रत इब्ने उमर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कंधे को पकड़ के फरमाया और फरमाया कि अय अब्दल्ला कुन फिर दुनिया का अन्न का गरीब तुम दुनिया में इस तरीके से रहो अजनबी बन कर के रहो क्या बन के रहो अजनबी बन के रहो अबील या मुसाफिर बन के रहो अजनबी बन के कि आप ये समझो कि दुनिया में हम चंद दिन के लिए आए हैं नए हैं चंद दिन के लिए आए हैं और फिर चले जाएंगे अवाबरी सबील या मुसाफिर बन करके रहो यह समझो कि ये दुनिया हम अभी रास्ते सफर में हैं थोड़ा सा क्या कर रहे हैं आराम कर रहे हैं और फिर हमें अपना बुरिया बिस्तरा लेकर के यहाँ से कूच करना पड़ेगा इसलिए इस तरीके से रहो इसी तरीके से हजरत उमर फरमाते थे कि जब तुम शाम कर लो तो सुबह का इंतजार न करो और जब सुबह कर लो तो शाम का इंतजार न करो कि हमें शाम मिल जाएगी अरे अभी तो हमारे एक दिन बाकी है तोबा कर लेंगे माफ़ी मांग लेंगे नमाजें पढ़ लेंगे लेकिन मेरे भाइयों किसको पता है कि उसके मौत का परवाना कब हो जाए कब आ जाए और उसे इस दुनिया से रुखसत होना पड़े इसी तरीके से सलफ साल में एक बुजुर्ग गुजरे हैं इब्राहिम बिन अदहम उनसे पूछा गया कि तुमने दुनिया को किस तरीके से पाया कैसे तुमने दुनिया में ज़ुहद और तकवा इख्तियार किया कैसे दुनिया से बेजारगी तुम्हें कै क्यों कर नसीब हुई कैसे तुमने समझा कि दुनिया कुछ नहीं है उन्होंने क्या जवाब दिया फरमाया कि मैंने कबर को देखा और उसकी तारीकी के बारे में गौर किया और फरमाया कि वहां पर कबर में मेरा कोई साथी नहीं होगा मुझसे कोई बात करने वाला नहीं होगा मेरा कोई हमनशी नहीं होगा कि जिससे मैं बात करके और सुकून और इत्मीनान हासिल करूं, तो क़ब्र की वहशत सोच करके और उस रास्ते तवील रास्ते को सोच करके कि जो रास्ता बग़ैर ज़ाद बग़ैर सामान का होगा और इसी तरीके से मैंने जब आसमान और ज़मीन के रब के बारे में तसुर किया उसको जब देखा कि उसके सामने जब हाजिरी होगी जब उससे सवाल और जवाब जब वो मुझसे सवाल करेगा तो मेरा कोई मदद करने वाला नहीं होगा मेरा मेरी कोई शफात करने वाला नहीं होगा तो इस तरीके से मैंने दुनिया को छोड़ दिया दुनिया के बारे में ग़ौर फिक्र करना छोड़ दिया और फिर कब्र के बारे में सोचा कि वहाँ की वहशत कैसे ख़त्म हो उस रातवील रास्ते के बारे में सोचा कि वो रास्ता हम कैसे हम उस रास्ते को तय करेंगे और फिर उस रब के बारे में उस रब के सामने हाजिर होने को ये मैंने सोचा कि कौन वहाँ पर मेरी मदद करेगा कौन मेरी मुदाफ़त करेगा तो इसलिए मैंने दुनिया को बात कह करके अपने रब की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया मेरे भाइयों ये दुनिया पूरी की पूरी फना है दुनिया पूरे का पूरा मुकम्मल धोखा है इसीलिए अल्लाह अज्जा उजल फरमाता है

और ना ही कोई बेटा अपने बाप के काम आएगा और सुन लो कि दुनिया की जिंदगी धोखा की जिंदगी है तुम्हें धोखे में ना डाले और ना ही कोई तुम्हें दुनिया की हरी भरी हरे भरे बागात दिखा करके और तुम्हें दुनिया में मशगूल ना कर दे बहुत से लोग मिलते हैं और कहते हैं कि भाई तुमने क्या किया तुमने दुनिया में क्या किया कितना बैंक बैलेंस किया घर कैसा बनाया गाड़ी वाड़ी है कि नहीं है तुम, तुमने अपने बच्चे को कहा किस स्कूल में डाला तुम्हारा बच्चा क्या पढ़ा तुम्हारे बच्चे को नौकरी मिली कि नहीं मिली अगर नौकरी मिली तो कैसी नौकरी मिली इंजीनियरिंग की नौकरी मिली कि डॉक्टर बना क्या बना और यह भी कहा जाता है कि जिसके बारे में अरे फला तो बड़ा उसके मुस्तबिल उसकी, उसकी फ्यूचर तो बड़ी अच्छी है उसकी नौकरी ये है उसका लड़का इंजीनियर है उसका ये है ये है ये है उसके पास गाड़ियाँ हैं उसके पास बंगले हैं और यह तस्वर किया जाता है कि वो शख्स जिसके पास ये ये चीज़ें हैं वो कामयाब है लेकिन कुरान से पूछें रब से पूछें तो क्या फरमाता है इन्नल इंसान फीक खुश सारे लोग खसारे में हैं घाटे में हैं का तब कामयाब कौन है कामयाब वो है सालिहात जिन्होंने नेक अमल किया ईमान लाए नेक अमल किया और उसकी तरफ लोगों को दावत दी और सब्र किया ये लोग कौन हैं ये कामयाब हैं कामयाब वो नहीं हैं कि जिनकी बिल्डिंगें हैं कामयाब वो नहीं है कि जिनके बड़े बहुत ज़बरदस्त तनख्वाह काफ़ी मकदार में उसकी तनख्वाह है दो लाख तीन लाख ये सब कामयाब नहीं हैं कामयाब वो है कि जिसने अपने आखिरत को कामयाब कर लिया क्यों इसलिए कि वो ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी है इसके बारे में किसको पता है मेरे भाइयों कब उसको यहाँ से कोच करना पड़े ऐसे ऐसे बादशाह इस दुनिया में गुज़रे हैं मेरे भाइयों खलीफा हारून रशीद इतना बड़ा उसका दायरे खिलाफत इतना वसीय था कि वो बादल को मुखातब करके कहता था कि अय बादल तू जा कहीं भी तू पानी बरसा उसका खराज मेरे पास ही आना है उसका खराज मेरे पास ही आना है तू जा, जा कहीं भी बरस इतना बड़ा लेकिन इनके तकवे का आलम यह था कि कहते थे मैं अगना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया कि मुझे मेरे माल ने कोई फायदा नहीं दिया मेरी बादशाहत ने मुझे हलाक कर दिया मेरे भाइयों शख्स अपने बिस्तरे मर्ग पर रो रहा है अपने भाइयों से कह रहा है कि मैं चाहता हूं मैं अपनी कब्र देख लूं जिसमें मैं दफन होगा मैं चाहता हूं कि अपनी वो कब्र देख लूं जिसमें मैं दफन होगा कभी हमने कभी हम कब्रस्तान गए और उस ख़ाली गढ़े ख़ाली कब्र को देखा कि कहीं मेरे बारी यहाँ ये मेरी बारी तो नहीं है मेरा घर क्या है कहाँ मुझे लाया जाएगा और वो भी एक दिन में दस दिन में एक हफ्ते के बाद कुछ पता नहीं है कब हमें वहाँ का सफ़र करना पड़े इसलिए मेरे भाइयों इतना बड़ा बादशाह जितने कितनी नेकियाँ भी की होंगी कितने लोगों के साथ खैर का काम भी किया होगा लेकिन तकवा इतना ज़्यादा अल्लाह का खौफ इतना ज़्यादा कि वो बिस्तर मर्ग पर कह रहा है कि मुझे मेरा कब्र दिखा दो जहाँ मैं मुझे दफन किया जाएगा इतना बड़ा कि बादल से कहे कि बादल तू कहीं भी जा कर के बरस तेरी पानी से जो गल्ला पैदा होगा उसका खराज मेरे पास ही लौट करके आएगा कितना बड़ा घर उसका कबर एक मीटर डेढ़ मीटर की कबर इतना बड़ा रकबे का मालिक और फर् उसकी कबर पे जा रही हैं <coughs> उसके बाद लोगों ने उसको उठा करके उसके कबर की तरफ ले गए उसने कबर को देखा और रोना शुरू कर दिया कबर को देख करके उसने रोना शुरू कर दिया और फरमाया जिसकी बादशाहत कभी ख़त्म नहीं होगी उस पर रहम कर जिसकी बादशाहत खत्म हो गई वो जात तो उस शख्स पर रहम कर दे कि जिसकी मिल्कियत कभी खत्म नहीं होगी उस पर कि जिसकी मिलकियत खत्म हो गई इतना बड़ा बादशाह मेरे भाइयों आज हमारे पास क्या है हम हमने हमारे पास क्या है दुनिया भी क्या है लेकिन हम इतने गाफिल हैं वो लोग इतने इतनी मिल्कियत के मालिक और उसके बावजूद अल्लाह को नहीं भूले अल्लाह का खौफ उनके दिल से नहीं निकला और मेरे भाइयों फिर उस दिल को हम लेकर क्या करें जो दिल अल्लाह के खौफ से खाली हो जो दिल अल्लाह की याद में हमें अल्लाह की मोहब्बत में की तरफ मायल ना करे उस दिल को लेकर के हम क्या करेंगे मेरे भाइयों हमें वही दिल चाहिए कि जो दिल हमें रब की मर्जी के मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें क्या करे हमें मजबूर करे इसलिए मेरे भाइयों इसी तरीके से आप देखिए कि फजैैल बिन अयाज़ सलफ़ सालह में एक बड़े नेक आदमी गुजरे हैं एक आदमी से मुलाकात हुई उन्होंने उनसे पूछा और फरमाया कि तुम बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है फजैल बिन अयाज़ ने एक शख्स से पूछा कि तुम बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है उसने कहा मेरी उम्र साठ साल है जैल बिन अयाज ने उससे कहा कि तब तो जब तुम्हारी उम्र साठ साल है साठ साल गुजर गए अब तुम अपने रब से मिलने के बिल्कुल करीब हो गए उस शख्स ने कहा इन्ना लाही व इन्ना फुदेल ने फरमाया कि क्या तुम इन्ना लाही व इन्ना इले राज का माना जानते हो मेरे भाइयों गौर करें इस जुमले को इस जुमले को गौर करें जब उसने कहा इन्ना व इलैहि राजिऊन फुदैल बिन अयाज ने कहा कि तुम्हें व इलैहि राजिऊन का मतलब मालूम है फरमाया हाँ मालूम है और उसका मतलब यह है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसी की तरफ पलट कर जाने वाला हूँ मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसी की तरफ पलट कर जाने वाला हूँ तो उन्होंने पूछा कि जब यह मालूम है कि अल्लाह का बंदा तू है और उसी की तरफ तू पलट कर जाना है तो क्या तुम्हें यह भी पता है कि तुम्हें उसके सामने हाजिरी भी देनी है उसके सामने फिर खड़ा भी होना पड़ेगा और अपने इस साठ साल की मुद्दत की जो उम्र तुम्हारी है इसका उसके पास जवाब देना पड़ेगा और फिर उसने कहा कि जब यह मालूम हो गया कि तुम्हें अल्लाह के दरबार में हाजिर होना है और अपने उम्र का सवाल और उसका हिसाब देना है तो फिर यह हैबत सुन करके अल्लाह के सामने हाजिर होना उसके दिल में बैठ गया और फिर उसका दिल दहल गया और वह शख्स रोने लगा और फरमाया कि ए फजैल बतलाओ कि अब हमारा चारा क्या है हम कैसे वहाँ कामयाब हो सकते हैं कैसे अल्लाह के सामने हम जवाब दे सकते हैं क्या फजैल बिन अयाज ने यह फरमाया कि अब क्या हो सकता है तुमने तो साठ साल उम्र गंवा दी रब की ना फरमानी में अब क्या कर सकते हो क्या यही जवाब दिया नहीं फरमाया बहुत आसान बात है फरमाया बहुत आसान बात है अल्लाह तुम पर रहम फरमाए वो ये है कि तुम अल्लाह से डरो और तौबा कर लो अल्लाह से डरो और तौबा कर लो अल्लाह तबारक तआला तुम्हारे तमाम उम्र की जो लफ्जिशें हुई हैं वो सबको माफ कर देगा इसलिए हमारी जो उम्र गुजर चुकी हैं कोई बीस साल का हो गया कोई पच्चीस साल का कोई तीस साल का कोई पैंतीस साल का कोई चालीस साल का कोई पैंतालीस साल का हमें अपने उम्र का हिसाब लगाना चाहिए मुहासबा करना चाहिए और अपने रब से डर करके रब से तोबा करना चाहिए जो हम हमसे लग्देश हुई हैं मेरे भाइयों इसी तरीके से ये तो पहला सवाल हुआ दूसरा सवाल क्या होगा उसके इल्म के बारे में उसके इल्म के बारे में सवाल होगा और वो इल्म हम मस्जिदों में जा कर के खुतबा सुनी हमने प्रोग्राम सुने जलसों में जा कर के और दीनी महफिलों में बैठ कर के जो भी बातें हम तक मालूम हुई हैं कहाँ तक हमने उसमें उस पर अमल किया है वान इम ही और उसके इल्म के बारे में पूछा जाएगा और उसके बारे में जो सवाल होगा वो ये होगा कि मादा अमीला फ़ीमा जो उसने जान लिया है जो मालूम उसको हासिल हो गई हैं उसके मुताबिक उसने कितना अमल किया है मेरे भाइयों हम जो सुनते हैं जो बातें हमें नसीहत के तौर पर बताई जाती हैं इन बातों पर हम कितनी अम, कितना अमल करते हैं इसके बारे में भी हमसे पूछा जाएगा सवाल होगा मेरे भाइयों इम आप जानते हैं कि अगर हमें इल्म हो और हम अमल ना करें तो इस इल्म का फ़ायदा क्या है इस इल्म का क्या फ़ायदा है और इल्म मेरे भाइयों मुसलमानों पर अहले ईमान पर इबादत से पहले इल्म फ़र्ज है इबादत से पहले इल्म फ़र्ज है इसलिए आप जानते हैं कि सबसे पहले सबसे पहली आयत जो इस उम्मत पर नाजिल हुई है वो आयत इबादत की नहीं है कि जाओ अपने रब की इबादत करो जाओ सजदे करो जाओ रुकू करो जाओ कयाम करो जाओ नमाजें पढ़ो जाओ सदका व करो नहीं बल्कि हुक्म हुआ कि उम्मत ए मुस्लिमा तो जाहिल ना रह तो अपने रब को पहचान ले अपने रब की हकीकत क्या है तेरे तेरे रब की हकीकत क्या है तेरा रब क्या है उसको पहले पहचान ले बिशम रबिकदी खलक पहले तू पढ़ पहले तालीम हासिल कर पहले का क्या इल्म हासिल कर ले पहले अक़ीदा सही कर ले, अक़ीदे में खलल ना हो शर्क से पाक रह अपने अकीदे को हर तरह की नजाजत से पाक कर ले और समझ ले कि तेरा रब ही तेरा रब ही मालिक मुल्क है तेरा रब ही तुझे पैदा करने वाला है तेरे रब ने तुझे किस तरह पैदा किया तेरे रब ने तुझे क्यों पैदा किया ये सारी चीजें इनका इल्म हासिल कर हुक्म हुआ है आप क़यामत के दिन ये नहीं कहेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब आप खड़े होंगे ये नहीं कह सकते हैं कि ए मेरे रब अरे मेरे महबूद मुझे कोई बताने वाला नहीं था मैं तो किसी जामिया में किसी मदरसे में मैंने तालीम नहीं हासिल की थी मैं तो इंग्लिश मीडियम से तालीम हासिल की थी मैंने कुरान की तालीम हासिल नहीं मैं मुझे अरबी समझ नहीं आती थी मैं अरबी नहीं समझता था कुरान के मफहम से मैं वाकिफ नहीं था इसलिए मैं नहीं जान सका था कि तेरा मतलब क्या है दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का मतलब क्या था मुझे नहीं पता था तो क्या आप बताएं यह जवाब उसका अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी ये उधर कबूल कर लेगा बताएं कबूल करेगा कि हमें नहीं मालूम था नहीं वो चीज जो हर बंदे पर वाजिब है उसका इल्म हर बंदे पर हासिल करना वाजिब है उसका इल्म हासिल करना हर बंदे पर वाजिब है उसके अकीदे के बारे में उसकी इबादत के बारे में और उन तमाम जिंदगी के तमाम वो चीज़ें उमूर कि जो इंसान के रहन सहन से जिसका ताल्लुक है आदाब से जिसका ताल्लुक है इन तमाम चीज़ों का जानना हर मुसलमान पर मर्द और, और औरत पर सब परवाजी वो ज़रूरी है कोई वहाँ पर अल्लाह के सामने उज्र पेश नहीं कर सकता है इसलिए कि जलाल ने सबसे पहली जो आयत करीमा नाजिल की है वो इसी के बारे में नाजिल की है क्या है कि असलमान तो जाहल न रह है मुसलमान सबसे बड़े इल्म अगर हो तो तेरे पास रहे इल्म का सारा मर जा तू बन और सबसे पहले जो आयत करीमा यही है इल्म और इल्म कहते हैं किसी चीज़ की हकीकत को जानना किसी चीज़ की हकीकत को जानना मेरे भाइयों वो इल्म क्या था जिसको आज हम साइंस कहते हैं साइंस का अरबी लफ्ज़ इल्म है इल्म। साइंस का अरबी लफ्ज़ इल्म है आप अरबी में जब जाएंगे, उसका माना खोजेंगे कि साइंस क्या लफ्ज अरबी में क्या है आप उसका इल्म पाएंगे ूम पाएंगे यही चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसने फरमाया एक रबी कल्लि खलक खलक़ल मिनलक ये साइंस कैसे अल्लाह आलमीन ने इंसान को पैदा किया ये जान ले इसलिए मेरे भाइयों, आज मुसलमान इल्म से कोरा है मुसलमान इल्म से कहीं दूर चला गया है इसलिए मेरे भाइयों और इल्म समझ लीजिए कि सारे इल्म अल्लाह के इल्म है अब उस इल्म के ज़रिया बंदा अपने रब को पहचानने की कोशिश करे चाहे वो इल्म तिब हो चाहे वह इम साइंस हो चाहे वो इल्म कोई भी इम हो इम तफसीर कुरान जितने भी ूम हैं ये सारे इस्लामी लूम है बस शर्त यह है कि इनके ज़रिया से बंदे की नीयत सही रहे इल्म हासिल कर रहा है रब का मकसद क्या है इससे अपने रब की रज़ा के, के तरह इंसान ज़िंदगी गुजारे इसी लिए अल्लाह के नबी जनाब महम्मद रसोल्ला सल् वसलम क़ुरबान जाइए ऐसी पर कि जिसने अपनी उम्मत को तमाम चीज़ों को बतला दिया और क्या फरमाया ऐ लोगो तमन्ना और आरजू अगर किसी चीज़ की की जाएगी तो सिर्फ दो चीज़ों की रगबत आदमी का हिरस उन दो चीज़ों में होना चाहिए फरमाया कि सिर्फ दो चीज़ों में एक आदमी जिसको अल्लाह ने कुरान इल्म दिया कुरान अता किया और वो सुबह शाम उसकी तिलावत करता है और क्यामल करता है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है और वो शख़्स जिसको अल्लाह अज्जा वजल ने माल दिया है और जिस माल को वो अल्लाह की राह में सदका करता है ख़र्च करता है दो तो चीज़ें इल्म के बारे में हमें कोशिश करनी चाहिए और हिरस और इसी तरीके से माल की तमन्ना अगर आरजू हो तो क्यों हो ताकि अल्लाह तो हमें माल दे ताकि मैं उस फला शख्स की तरह बन जाऊं जो अपने माल को तेरे राह में खर्च करता है यतीमों की किफ़ालत करता है मदरसों को आबाद करता है गरीबों और बेवाओं की मदद करता है उनका सहारा बनता है माल इसलिए नहीं कि हमारे पास हाई क्वालिटी की गाड़ियाँ रहें हमारे पास हमारे घर बंगले बन जाएं स्विमिंग पूल भी रहे ये हो वो हो नहीं आप देखिए अल्लाह के नबी जनाब अलैहि वसल्लम की एक हदीत है जिसको इमाम तिरमिदी रहमत आल ने अपने किताब में नक़ल किया है और अलामा अलबानी रहमतुल्लाह ला ने उसको सही करार दिया है और इसके रावी हैं अबू कबशा अनमारी रजी अल्लाह अन्हु वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लम ने फरमाया कि तीन चीज़ें जिनकी मैं कसम खाता हूँ जिन पर और मैं तुम्हें वो चीज़ें बयान करता हूँ उसको तुम हिद कर लो याद कर लो जहन में बिठा लो पहली चीज़ क्या है कि अगर किसी शख्स ने अपने माल में सदका किया है तो वो ये तस्वर ना करे कि उसका माल कम हुआ है सदक़े से अल्लाह के राह में खर्च करने से उसका माल कम नहीं होता है ये तस्वूर कर लीजिए इसको अपने जहन में बिठा लीजिए अल्लाह के नबी नबीम ने फरमायादी फहफू हो जिसको तुम हिफ कर लो जहन में बिठा लो और क्या बिठाओ सबसे पहले कि अगर जो माल तुमने रब के राह में खर्च किया है वो माल तुम्हारा कम नहीं होता है वो माल तुम्हारा कम नहीं होगा और ये भी सुन लो और क्या कि अगर किसी पर जुल्म हुआ है और उसने उस जुल्म पर सब्र किया है मजलूम है उसने सब्र कर लिया है तो अल्लाह वजद उसकी इज्जत वक़ार में इजाफ़ा करेगा ये भी अपने जहन में बिठा लो और एक ये भी सुन लो कि अगर किसी ने मांगने का दरवाज़ा खोला लोगों के सामने हाथ फैलाने का दरवाज़ा खोला तो फिर अल्लाह उसके मुकद्दर में फ़कर व फाका लिख देता है तंगी और फ़करो फाका उसके मुकद्दर में लिख देता है और जो असल मौजू से मुतालिक जो ये हदीस है वो आगे आ रहा है उसके बाद अल्लाह के नबी वसल्लम और फरमाते हैं और बात बतला रहा हूँ उसको भी जहन नशीन कर लो वो क्या है और ये चार किस्म के लोगों के बारे में है कि जिसको अल्लाह वजल ने माल और इल्म दोनों दिया है गौर से सुने मेरे भाइयों जिसको अल्लाह अज्जा वजल ने माल भी अता किया है और इल्म भी अता किया है और वो इल्म की वजह से अपने रब से डरता है और उसको उसके ज़रिया से सिला रहमी करता है लोगों में ख़र्च करता है मस्किनों की मदद करता है यतीमों की किफालत करता है और अल्लाह का हक़ अपने इल्म के ज़रिया से जानता है कि अल्लाह अजा वजल ने जो मुझे माल अदा किया है उसको कहाँ कहाँ खर्च करना है उसको किस तरीके से हमें उसके अल्लाह के हक को अदा करना है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसा शख्स सबसे आला दर्जे पर अल्लाह के यहाँ होगा सबसे अला और अफजल मरतबा उल्सू के यहाँ मिलेगा किसको कि जिसको अल्लाह नेम भी दिया और माल भी दिया है और इल्म के मुताबिक अल्लाह के हकूब को अदा कर रहा है तो अल्लाह तबारक उसको बुलंद मर्तबा अदा करेगा और फ़रमाया और एक शख्स वन रद्ल वलमजुख मालन अल्लाह ने उसको इल्म तो दिया है लेकिन माल नहीं दिया है इल्म दिया है लेकिन माल नहीं दिया है वह हुआ सादीत ही और उसकी नीयत अल्लाह के लिए सच्ची है और वो कहता है कि अगर मेरे पास बिमाल होता इल्म है उसके पास लेकिन उसकी नीयत क्या है कि अगर अल्लाह ने मुझे माल अता किया या मेरे पास माल होता तो मैं उस फला शख्स की तरह मैं भी ख़र्चा करता अल्लाह की राह में देखिए माल नहीं है ख़र्च भी नहीं किया है लेकिन सिर्फ़ नीयत उसने की है आलमीन का रहम देखिए रहमत आलमीन क्या फरमाते हैं फरमाते हैं कि वो अपने नीयत की वजह से उन दोनों का अजर बराबर होगा किन दोनों का अजर बराबर होगा जिसको अल्लाह ने माल भी दिया है और इल्म भी दिया है और उसने अल्लाह के रास्ते में खर्च भी किया है और एक शख्स जिसको इल्म है माल नहीं है नीयत उसकी है उसकी नीयत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी के मर्तबे पर उसको पहुंचाएगा कितना बड़ा रहम है मेरे भाई माल नहीं है बस तमन्ना है नीयत है मेरे भाइयों हर शख्स जिसकी नीयत सच्ची हो जिसकी नीयत صادق हो वो उस अमल पर قادر ना भी हो तब भी अल्लाह अजा वजल उसको नियत का बराबर सवाब देता है कितनी अच्छी बात अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तीसरे किस्म शख्स व अब्दु नज़कहुल्लाहु मालन ولم यरज़ुक़हु इल्मा एक वो शख्स कि जिसको अल्लाह ने माल तो दिया है लेकिन इल्म नहीं दिया है उसके पास इल्म नहीं है और वो जब इल्म नहीं है तो अपनी जहालत में इल्म को अपने माल को इधर उधर खर्च कर रहा है है कि नहीं अपने माल को टीवी ले आया और अपने बच्चों को ले गया इधर उधर ठहराने के लिए फिल्में दिखाने के लिए गलत जगहों पर कल्बों में डांस की महफ़िलों में दुनियावी जैब वज़ीनत वाली चीज़ों में वो ये समझता है कि यही तरक्की याफ्ता लोग हैं हाँ यही रोशन ख़्याल है ख़्याली है ये अच्छे लोग हैं बुरी महफ़िलों में जाता है खूब पैसे ख़र्च करता है शराब ख़रीदता है ये करता है वो करता है दुनिया भर की माल है इल्म नहीं है तो ना अल्लाह का खौफ ना नमाज़ ना ही सिला रहमी और वो ये समझता है कि उसका माल ये उसके मेहनत के फल मेहनत का फल है ये उसका माल उसके इल्म का समरा उसके मेहनत का समरा है जहा है जहालत है नाजायज तौर पर माल को बर्बाद कर रहा है तो ऐसा शख्स सबसे बुरे मर्तबे पर अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सासन फरमाते हैं सबसे बुरे मर्तबे पर होगा और ऐसा वो शख्स कि जिसको अल्लाह ने ना माल दिया है और ना ही इल्म दिया है लेकिन वो कहता है कि अरे अगर हमारे पास माल होती तो मैं फ़लाँ की तरह बिल्डिंग बनाता मेरे पास माल होता तो मैं फ़लाँ की तरह लक्सस गाड़ी ख़रीदता और मर्सिडीज़ गाड़ी ख़रीदता ये ख़रीदता वो ख़रीदता ये बाग़ात वो इस तरीक़े से मैं ऐसा करता वैसा करता फ़लाँ की तरह तो अल्लाह तबारा अल्लाह के नबी सा फ़रमाते हैं कि अपनी नीयत की वजह से ये शख्स भी उसी के मर्तबे में होगा सबसे सब ख़राब सबसे खबीस मर्तबे में ऐसा शख्स होगा मेरे भाइयों इसलिए इल्म का हासिल करना बहुत ज़रूरी है और जो इल्म हमें मिला अल्लाह रब्लम नेता किया उस इम को उसके मुताबिक हमें उस इल्म के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी है इसलिए जो दूसरा सवाल होगा कि इल्म जो तुमने हासिल किया है जो तुम्हें मालूम हुई हैं उस पर तुमने अमल किया है कि उस पर तुमने अमल नहीं किया है इसी तरीके से मेरे भाइयों अल्लाह तबार को सवाल करेगा वाल ही उसके माल के बारे में किसके बारे में उसके माल के बारे में जो माल उसको अल्लाह उजल ने अता किया है तो इसमें दो पॉइंट है माल के बारे में ये नहीं कि सिर्फ माल के बारे में आपने कहाँ से उसको कमाया है कैसे और कहाँ खर्च किया है दोनों तरीका कैसे खर्च कैसे कमाया कैसे खर्च किया कहाँ खर्च किया इसमें दो सवाल हैं आपने माल को किस तरह से हलाल तरीके से हासिल किया है हलाल तरीके से कमाया है कि हराम तरीके से कमाया है इसीलिए मेरे भाइयों अल्लाह तबार को तआला को हलाल माल पसंद है और हराम माल से अल्लाह तआला नाखुश होता है और हराम माल की सबसे पहली चीज़ देखिए जिसमें सूद ये हराम तरीक़ा है माल कमाने का इस इस तरह से और जो भी चीज़ें जो गैर शर्ी हैं उन तरीक़े से आप माल इकट्ठा करें कितने ऐसे भाई हैं जो माल को अपने पैसे को जमा कर देते हैं दस साल के लिए बीस साल के लिए और एक बड़ी लंबी रकम उनको इकट्ठा मिल जाएगी वो ये तस्वर करते हैं ये चीज़ इस्लाम में जायज़ है नहीं जायज़ इसी तरीके से कितने ऐसे भाई हैं जो लॉटरी निकालते हैं कितने ऐसे भाई हैं इस यहीं पर हमने सुना है देखा भी है जो थाईलैंडी नंबर मिलाते हैं ये भी उसको ख़रीदते हैं नंबर को और ये भी क्या है गलत तरीका है हराम है तो हराम तरीकों कहाँ से हलाल तरीके से कमाया है कि हराम तरीके से कमाया है और कहाँ खर्च किया है कहाँ तुमने माल को खर्च किया है अल्लाह की खुशनुदी में खर्च किया है मस्जिदों की तामीर में खर्च किया है दीनी मदारिस को बनाने में खर्च किया है यतीमों की किफालत में खर्च किया है मिसकिनों बेवाओं की मदद करने में खर्च किया है कि अपनी ख्वाहिशा नाजायज ख्वाहिशात को पूरी करने में खर्च किया है कहां खर्च किया है अल्लाह तबारक तला इसके बारे में पूछ पूछेगा और क्यामत का दिन होगा आप देखिए कि दुनिया में जिनके पास सरवतें ही सरवतें हैं करोड़ों के मालिक अरबों के मालिक जिनका कोई हिसाब दुनिया में नहीं है क्यामत के दिन अब देखिए लोगो सुन लो उस शख्स के बारे में कि जिसने माल खूब जमा कर लिया अन्न वो यह सब अन्ना महू अखल वो ये तस्वर करता है कि उसका माल उसे हमेशा हमें दुनिया में दुनिया में हमेशा हमें उसके माल उसको रखेगी बचा रखेगी बीमार होगा इलाज करवा लेगा उसके पास माल है दिल का ऑपरेशन करा लेगा लेकिन अल्लाह फरमाता है क्या उसका यह सोच सही है या अन्ना माल मालू अखलदा खल्ला अल्लाह फरमाता है हर किस नहीं माल है लेकिन जब रब चाहेगा जब तक वो दुनिया में जिंदा रहेगा माल की वजह से दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता है और क़यामत के दिन जब उसका माल उसके बाएं नामया माल उसके बाएं हाथ में दे, 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 दे दिया जाएगा तो वो क्या कहेगा उसका जवाब क्या होगा उसका रद्द अमल क्या होगा मेरे भाइयों वो उस वक्त भी यही कहेगा यकोलो या लई तनी लम ओता किताबिया वो कहेगा कि काश की मुझे मेरा नाम अमाल ना दिया होता वला मदरिमा हिसाब या मैं नहीं जानता कि मैं ये हिसाब किताब क्या होता है या लई तहा का न तिलका दिया मागना अन्य मालिया मेरे माल ने मुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया मेरे माल ने मुझे कोई फायदा नहीं पहुँचाया वो ये तसवर करते थे कि जिस तरीके से हमारे पास दुनिया में हमारे पास माल है और इस माल के बदौलत हमारे हवारी मवारी हैं हमारे आगे और पीछे चलने वाले लोग हैं सच को झूठ बनाने वाले उसकी गवाही देने वाले भी लोग मिल जाते हैं और झूठ को सच बनाने वाले लोग भी माल की वजह से मिल जाते हैं वो यही तसवर उसका था कि जब दुनिया में हमें अल्लाह ने माल दिया है तो आखिरत में भी हम हमारा यही पोस्ट होगा तो वो क्या कहेगा जब नाकाम और नामुराद होगा कहेगा कहाँ मेरा माल ने तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिया मैं अगना अन्य मालिया, हालांकि अन्नी सुल्तानिया मेरी ताकत और सर्वत ने भी मुझे बर्बाद कर दिया कुछ भी नहीं मिला उसी नशे में माल के नशे में मैं रब को भुला दिया था माल के नशे में मैं गरीबों और मस्किनों की मदद करने को भूल गया था माल और सुल्तनत और चौधराहट के नशे में मैं अल्लाह को भूल गया था इसने तो कोई फायदा नहीं दिया हलका अन्य सुल्तानिया मेरे भाइयों इसलिए माल हमारा वो है जिस माल को हमने अल्लाह की खुशनुदी के में खर्च किया है यतीमों की किफालत कर दी बेवाओं मिसकिनों का सहारा बने छप्पर के घर को पक्का कर दिया और अल्लाह के राह में खर्च कर दिया वो हदीस जनाब मुस्तफ़ा सही मुसलिम में हज अबूर रदी अल्लाह तू फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी वसलम ने फ़रमाया किमत के दिन बंदा कहेगा माली माली कहाँ है मेरा माल कहाँ है मेरा माल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माल उसका माल जो उसने खाया फना कर दिया बर्बाद कर दिया जो पहना वो भी ख़त्म कर दिया और जो उसने दिया है वही बाकी है अल्लाह की राह में जो उसने दिया है वही उसको बाक़ी है अब देखिए कि हत रज़ील्ला तरमाती हैं कि उन्होंने एक बकरी जबा की आयशा रदी अल्लाह तन हमारी माएँ और बहनें सुनें वो भी अपने अंदर जज्बा पैदा करें दीन के राह में ख़र्च करने का हतायशा रजा अल्लाह तह ने एक बकरी ज़बा की और उसको ज़बह करके पूरा सदका कर दिया सिर्फ़ एक बाज़ू बचा दिया एक बाज़ू बचाया तो नबी पाक सल्ला वम ने उनसे पूछा कि आयशा अरे बकरी जो तुमने ज़बह की है उसमें कुछ बचा वचा है कि नहीं है ताला ना फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी कुछ नहीं बचा है सिर्फ़ एक बाजू बचा है क्या जवाब है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज अगर कोई ऐसी हमारी माएँ और बहने हों जो इस तरीके से जिनकी नीयत हो अल्लाह के राह में खर्च करने की और शौहर को पता चले कि मेरे पूरी बकरी इन्होंने क्या कर दी सदका कर दी फौरन लाठी उठा लेंगे है? और तलाक का फैसला कर लेंगे और वो भी तीन तलाक फौरन है कि नहीं जरा भी कुर्बान जाइए हमारे नबी जनाब मोहम्मद वसल्लम क्या फरमाया फरमाया नबी पाक पास के इस कौल को याद रखे मेरे भाइयों फरमाया बकिया इल्ला ज़रा अरे तुम कहती हो कुछ नहीं बचा है सिवाय बाजू के सुन लो ज़ुबान रिसालत से सुन लो कि सब बचा है सिवाय इस बाजू के सिवाय इस बाजू के सब बचा है क्यों इसलिए कि जो तुमने सदका किया है वही तुम्हारा माल है जो तुमने अल्लाह के राह में खर्च कर दिया है यही तुम्हारा असल माल है कि दुनिया में अगर कोई शख्स तंगी में हो गया उसके भाई उसके बाप उसके रिश्तेदार तो मदद कर सकते हैं उसके दोस्त मदद कर सकते हैं लेकिन वहाँ वहाँ कोई मदद करने वाला नहीं होगा तो ये माल जो तुमने रब की राह में खर्च किया है ये माल ही तुम्हारा असल माल है इसी तरीके से मेरे भाइयों ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कभी हमने तस्वर किया है दुनिया में हम रहते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमने देखी बड़े बड़े लोगों को हमने देखा बड़े बड़े लोगों को हमने देखा हमारी ख्वाहिशें हुई है कि काश कि भी इनकी तरह होते कभी हमारा जहन अल्लाह के नबी साम के बारे में भी गया है कि हम देखें कि जो कौनैन के सरदार हैं इमामुल इमामबिया हैं जन्नत के सरदार शाह महशर कभी उनके बारे में ही मैंने सोचा कि हमने सोचा कि क्या उनके पास कितनी गाड़ियाँ थीं उनका बंगला कितना बड़ा था उनके पास कितने ज़मीन थी कितने एकड़ ज़मीनें थीं? कभी सोचा है अल्लाह के नबी के पास कितनी एकड़ ज़मीन थी अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के पास कितने बंगले थे अल्लाह के नबी वसल्लम के पास कितने बागात थे किसी को पता है किसी को पता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने सरवत और कितनी जायदाद थी मेरे भाइयों कभी सोचा कि हमारा भी हमारा भी घर कायनात के सबसे बड़े जो सरदार हैं उनकी तरह होना चाहिए कभी हमने सोचा कि हमारा भी घर हज़रत आयशा ताला तहा के घर की तरह होना चाहिए किसी माँ ने किसी बहन ने यह तस्वर तो किया कि आयशा उमिनयशा अन्हा का घर कितना खूबसूरत था कितना बड़ा उनका घर था उनका बेडरूम कैसा था कैसा सजा हुआ था किस माली ने उसको सजाया था किस तरह उन्होंने जुफाफ मनाया कितने शान शौकत से कभी हमने तस्वर किया हम तो दुनिया के लोगों अहले दुनिया की तरफ नजर डालते हैं दुनिया वालों की तरफ देखते हैं उसने तो अपने शादी में इतना खर्च किया है उसकी बारात तो इस तरीके से धूमधाम से आई है उसने अपने बेटी को इतना ज्यादा माल दिया है इतने सोने इतने जवाहरात ये सब दिए हैं कभी हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचा फातिमा रजी अल्लाह तन सैदत जन्न जन्नत जन्नती औरत, औरतों की सरदार उनका घर भी देख लिया होता उनके जायदाद पर भी नज़र डाल ली होती उनके जेवर भी देख लिए होते उनके कपड़े भी देख लिए होते कितनी जोड़े रोज़ाना बदलती थी उनकी भी सैंडल देख लिए होती उनके भी बाजारों में घूमना फिरना ये भी देख लिया होता कि कितनी मरतबा बाज़ारों में जाती कहाँ कहाँ पिकनिक मनाने जाती कभी ये भी तसवर कर लिया होता ये भी देख लिया होता कभी ये तसूर तो कर लिया होता अपने नबी अपने नबी के घर की तरफ अपने नबी की चहेती बीवियां अजवाज मुता के घर की तरफ देख लिया होता चहेती बेटी के घर को देख लिया होता मेरे भाइयों चाहते तो दुनिया उनको भी मिल जाती लेकिन उनको तो यह पता था कि यह दुनिया चंद दिन की जिंदगी है हम बिल्डिंग भी बना लेते हैं उनमें हमेशा रह पाते हैं आज देखिए बड़े बड़े बादशाहों की बिल्डिंगें मौजूद हैं लेकिन मकीन नहीं है मका मौजूद हैं मकीन उसके बनाने वाले मौजूद नहीं है इसलिए मेरे भाइयों मेरी माँ और बहनों अल्लाह से डरो और आखिरत की जिंदगी को तरजीह दो कि जो जिंदगी हमेशा हमेश की जिंदगी है बल तो सिरून तो हयाचत दुनिया वल आखिरत वाप का ए लोगो तुम तो दुनिया की जिंदगी पर तो को तरजीह देते हो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो और आखिरत की जिंदगी को भूल जाते हो जो जिंदगी हमेशा हमेश की जिंदगी है जो बिल्डिंग मिल जाए वो बिल्डिंग कभी हमसे जुदा नहीं होगी जो खुशियाँ वहाँ नसीब होंगी वो खुशियाँ मक्त नहीं होंगी यहाँ की खुशियाँ मक्त हैं कोई अमीर कोई गरीब कोई दुनिया से जा रहा है मुँह मोड़ करके लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होगा वहाँ की नमतें हमेशा हमेश की नमतें होंगी मेरे भाइयों इसी तरीके से आप जानते हैं कि अल्लाह तबार व ताला हमारे जवानी के बारे में भी पूछेगा चौथी चीज़ है हमारे जवानी के बारे में पूछेगा अल्लाह तबारक तला और ये जवानी मेरे भाइयों बहुत ही अहम इंसान की जिंदगी का ये बहुत ही अहम मुद्दत और फतरा होता है वक्त होता है ऐसे वक्त में आप अपने रब को खुश कर सकते हैं वो चीज़ें आप ऐसे ऐसी उम्र में कर सकते हैं जो चीज़ें आप बुढ़ापे में नहीं कर सकते हैं आप बचपने में नहीं कर सकते हैं इसलिए इसके बारे में खसूस सवाल होगा उम्र के बारे में सवाल हुआ, लेकिन उस उम्र में आपकी जवानी के बारे में भी पूछा जाएगा और जवानी आपने कहां गुजारी जवानी आपने कहां बिताई क्या आज के नौजवानों की तरह जवानी बिताई पूरी की पूरी जिंदगी सुबह से लेकर के शाम तक हमारे नौजवान भाई हमारे नौजवान बहनें पूरी सुबह से लेकर के शाम तक एक भी अमल नहीं कि जो रब को राजी कर सके मुहासबा करें सुबह से लेकर के शाम तक अपनी जिंदगी का मुहासबा करें कि कितना हमने अपने रब को खुश किया है और अपने रब को नाराज किया है अपने रब की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी इस दिन में कितनी ज्यादा कितनी नाफरमानियाँ की हैं और कितनी फरमाबरदारियां की हैं आप खुद तस्वर करें देखें मेरे भाइयों आपकी जवानी के बारे में इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसोल्ला वसम फरमाते हैं कि बंदे की जो जवानी है अल्लाह वजल ने जो इसको जवानी दी है अगर इस जवानी को उसने रब की फरमाबरदारी में खर्च किया है रब की खुशनुदी में खर्च किया है तो उसका इनाम अल्लाह रब्लमिन के लिए के यहाँ क्या है और इस जवान शख्स चाहे वो जवान माएँ बहनें औरतें हों या मर्द हों इसमें सब शामिल हैं अगर जिन्होंने अपनी जवानी को रब की खुशनुदी में रब की इबादत में खर्च किया है तो ऐसे जवान को अल्लाह तबार को ताला क़यामत के दिन अपने साय में जगा देगा जब कोई साया नहीं होगा उसके साए के अलावा कभी हमने गौर किया कभी हमने सोचा कि हमारी जवानी नबी पाक साम की जवानी की तरह गुजरे कभी हमने सोचा कभी हमारे माओ और बहनों ने ये सोचा कि हमारी जवानी उमुल आयशा रत अल्लाह तह की तरह गुजरे उमिन हजरत खदीजा रत अल्लाह तह की तरह गुजरे सैदत तो नसाइल जन्ना हजरत फातमा रत अल्लाह तह की तरह गुजरे कभी हमने तसवर किया कभी हमने सोचा मेरे भाइयों हमारे आइडियल यही लोग हैं हमारे हिरो यही लोग हैं हमारे रहनुमा यही लोग हैं कि जिनकी ज़िंदगी को हमें देखा जाए कि जिनकी ज़िंदगी के मुताबिक हमें अमल किया जाए उनके तरह हमें चला जाए जो हमारे हीरो हैं लेकिन अफसोस सद अफसोस आज का नौजवान अपने नबी की तरह ज़िंदगी पसंद नहीं करता है अपने नबी की तरह इबादत करना पसंद नहीं करता है अपने नबी की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारना पसंद नहीं करता है और ये सब क्यों है ये यह यही है कि हम मौत से गाफिल हैं हम रब के सामने हाजिर होने से गाफिल हैं मेरे भाइयों र्ला के नबी जनाब मोहम्मद रसोल्ला सल्ह वसम फरमाते हैं कि तुम्हारा कदम नहीं हटेगा बंदा का कदम नहीं हटेगा जब तक कि इन तमाम चीज़ों के बारे में तुमसे पूछना हो तुमसे पूछताछ ना हो जाए तुम उसका सही जवाब ना दे दो अगर सही जवाब नहीं दिए तो वहीं पर पकड़ लिए जाएंगे वहीं पर हुक्म होगा खुदूह ثم जहरीम सलूह पकड़ लो इसको और इसको जकड़ दो सिलसिले दिरा फसल को और इसको सत्तर गज लंबी जंजीरों में इसको जकड़ दो मुंह से निकालो पाखाने के रास्ते से निकालो और ऐसे उसको ऐसे जकड़ दो मेरे भाइयों कोई किस्सा और कहानी नहीं है सूरत का की वो आयतें हैं जो इंसान के दिलों को झंझोड़ कर रख देने वाली आयतें हैं मेरे भाइयों अगर हमारे दिल नरम ना हों अगर हमारे दिल अल्लाह ताला की इबादत की तरफ मायल करने वाले ना हों ऐसे दिल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगते थे ऐसे दिल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगते थे ऐ जवानों ऐ मेरे भाइयों ऐ मेरी माओ और बहनों सुन लो कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का नमूना क्या था आप कैसे ज़िंदगी गुजारते थे कितने अल्लाह से डरते थे रातों को उठ करके रोते थे अल्लाह के राह में अपने माल को खर्च करते थे मेरे भाइयों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सुबह का खाना होता था शाम का खाना का पता नहीं फरमाते हैं कई कई दिन चूल्हे नहीं जलते थे कई दिन चूल्हे नहीं जलते थे हम तो सालों का जखीरा कर लेते हैं हम सालों का जखीरा कर लेते हैं अल्लाह के नबी उनके घर के का आलम यह था पूछा गया कि अम्मा आयशा फिर कैसे गुजारा होता था फरमाया कि पास पड़ोस वाले कुछ तोहफे तहयफ कुछ हदिया वगैरह दे देते थे ये आलम किन के घर का था कि जिनकी ज़िंदगी के लिए सारी जरूरीत मोहताज है सारी इंसानियत मोहताज है कोई है जो नबी पाक पाकल्लम की तरह की जिंदगी का मोहताज ना हो कोई है कि जो नबी पाक सल्लम की जिंदगी से हट करके जिंदगी गुजारे और वो कामयाब हो जाए है कोई ऐसा कामयाबी अल्लाह तबार को ताला ने नबी पाक सल्लम की जिंदगी से जोड़ दी अगर कामयाब होना है कामयाब बनना है तो हमें दुनियावी अदाकारों और अदाकाराओं की तरफ हमें ध्यान नहीं देना है दुनिया के माल और दौलत और अहले सरवत की तरफ हमें ध्यान नहीं देना है बल्कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक शख्सियत और वो है जो जिसको अल्लाह ने जिस शख्स को जिस शख्सियत को इज़्ज़त दी जिस शख्सियत के जिक्र को अल्लाह ने इतना बुलंद कर दिया कि उतना बुलंद किसी की और शान और शौकत है ही नहीं अर्श वाले ने फरमाया वफाना अल का ज़िक्र मेरे भाइयों इससे बड़ी और चीज़ हो सकती है ने जिसके बारे में कह दिया जो सबसे बुलंद मालिक सबसे बड़ा मालिक, अनाल अर्श, अर्श का ऐ मेरे हबीब ए मेरे नबी हमने तेरे शान बुलंद कर ली तो जिसके शान को रब ने बुलंद कर दिया हो क्या उसका शान हमें नहीं जचता है उनकी जिंदगी हमें नहीं भाती है उनका चेहरा हमें पसंद नहीं उनका लिबास हमें पसंद नहीं उनकी तकवा तहारत हमें पसंद नहीं उनकी इबादत हमें पसंद नहीं वो शख्सियत महफिलों में बैठ करके एक दूसरे से हसद नहीं करते थे और ना ही आपने हुक्म दिया है गाने बजाने की महफिलों में जाने से जाने की दावत नहीं दी है कि जाएं कल्बों में पार्टियों में जाकर के वहाँ पर आयश करें मर्दोजन का इख्तलात हो उन सब पार्टियों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया है रातों को पार्टियाँ मुनाकिद नहीं करते थे बल्कि रातों को अपने रब के हुजूर हाजिर हो जाते थे और क्यों ना हाजिर हों कि जिसके बारे में नबी आ सलात सलाम ने यह हुक्म फरमा दिया हो यह फरमान उम्मत को यह खुशखबरी दे दी हो फिर वो उम्मत रात को कैसे गाफिल हो जाए नबी आ सलात सलाम फरमाते हैं जिलोर रब सुबह हो वाला कि मेरा रब नाजिल होता है पिछली पहर में और क्या फरमाता है क्या लोग मैं तुम्हारा मालिक हूँ लोगो मेरी बादशाहत है है कोई मुझसे मांगने वाला जिसको मैं अदा करूं है मुझसे मफफरत तलब करने वाला जिसको मैं बख्श दूं है कोई परेशान हाल जिसकी परेशानी को मैं दूर कर दूं क्यों ना नबी पाक सल्लम रातों को उठ करके और क्याम करें आज हम रातों को मीठी नींद सोते हैं मेरे भाइयों अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद वसल्लम फरमाते हैं कि रात में पिछली पहर में शोहर मीठी नींद सोता रहा है सो रहा है बीवी अल्लाह वाली अल्लाह से डरने वाली, वाली मोमिना उठती है अपने शोहर से कहती है उठो ऐसे वक्त में रब का दरबार खुला है मांग लो ऐसे वक्त में अरे ऐसे वक्त में मांग लो उठ जाओ सोने का क्या फायदा है नहीं उठता है सलाम फरमाते हैं कि वो वो मोमिना कोशिश करती है झंझोड़ती है अरे उठो लेकिन नहीं उठते हैं मियाँ बड़ी खर्राटे ले रहे हैं वो क्या करती है जाती है ठंडा पानी लेती है और उस पानी को अपने शौहर नामदार के सर चेहरे पर छिड़कती है अरे उठो मियाँ ये वक्त सोने का नहीं है ये वक्त तो सब कुछ हासिल करने का है जिंदगी मिल जाएगी लेकिन नहीं उठ रहे ठीक रही रही है आज अगर कोई हमारी बहन ऐसे अगर कोई अपने शोहर के साथ करे तो क्या उसका रद्द अमल क्या होगा उसका रद्द अमल क्या होगा हैं नाराज होकर के उठेगा और उसको मारने लगेगा लेकिन वो भी अल्लाह का बंदा है नींद गालिब आ गई वो भी अल्लाह का बंदा नेक बंदा था नींद गालिब आ गई मोमिन बंदा वो भी उठा अपने बीवी के साथ और सिर्फ दो रकात नमाज पढ़ी दो रकात अल्लाह की इबादत कर ली चार रकात नहीं दस रकात नहीं ग्यारह रकात नहीं पूरी रात नहीं बल्कि वजू किया और दो रकात दोनों ने नमाज पढ़ ली इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसी तरीके से अगर शौहर उठ गया बीवी नहीं उठ पा रही है उसकी मोमिना बीवी वो नहीं उठ पा रही है उसको शौहर झंझोल रहा है झंझोल रहा है नहीं उठ पा रही है और फिर जा ठंडा पानी ले करके उसके चेहरे पर मारता है और उसको उठाता है और दोनों मिल के वजू करते हैं फिर दो रक़ात नमाज़ पढ़ते हैं आप जानते हैं उसका सवाब क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक तआला उसको न और जकरात में शुमार करता है जिसके लिए जिनके लिए अल्लाह अजा वजल ने बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा ये कभी हमने इसको आजमाया है अल्लाह तबारा हमें और आप सबको तौफीक दे इस पर अमल करने की कहने वाले को भी सुनने वाले को भी मेरे भाइयों इसी तरीके से ये सब सवालत हैं जो अल्लाह तबार को ताला अपने बंदे से पूछेगा क़यामत के दिन और उस वक्त तक वो कदम नहीं हटा सकता है कि जब तक कि बद्दा इसका इस सवाल का जवाब ना दे दे एक आदमी इब्राहिम बिन अधम के पास गया और फरमाया कि मुझे कोई ऐसी चीज़ बतलाओ कि जिसके जरिया से मैं अल्लाह की मासीत से दूर हो जाऊं अल्लाह की मासीत से दूर हो जाऊं। इब्राहिम बिर ने कहा कि तीन चीज को याद कर लो तो पांच चीजों को याद कर लो अगर तुम उसको जान लो तो तुम कभी भी गुनाह नहीं कर सकते हो <laughs> और अगर गुनाह तुमसे हो भी गए और तुम्हें मालूम है तो फिर क्या होगा तुम जल्दी से तौबा कर लोगे जल्दी से अपने रब के सामने गिरिया ओजारी करके तौबा कर लोगे फरमाया वो क्या है फरमाया इब्राहिम बताओ वो है क्या पांच चीजें फरमाया पहली चीज फरमाया पहली चीज कि जब तुम बुराई पर तुम्हारा नफ्स जब आमादा करे तो तुम अल्लाह का रिस्क ना खाओ अल्लाह का रिस्क ना खाओ तो उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है पूरी रिस्क तो अल्लाह ही की है पूरा रिस्क तो अल्लाह का दिया हुआ है कैसे हम ऐसा कर सकते हैं तो फरमाया तो जब ये मालूम हो जाएगा कि पूरा रिस्क अल्लाह का है और तुम्हारे नफ्स अल्लाह की नाफरमानी पर उभारता है तो फिर ऐसे सूरत में तुम क्या करोगे अल्लाह का रिस्क खाएं और उसकी नाफरमानी करें खाएं उसके उसका उसका खाएं और उसकी नाफरमानी करें इस तरह से तुम बच सकते हो उसने कहा कि इब्राहिम अल्लाह तुम पर रहम करे दूसरी चीज बतलाओ फरमाया दूसरी चीज ये है कि तुम जब तुम्हें बुराई पर तुम्हारा नफ्स आमादा करे तुम बुराई का इरादा करो तो ऐसी जगह में चले जाओ कि जहां अल्लाह की मिलकियत ना हो, है कि नहीं अल्लाह के नाफरमानी करना है तो फिर अल्लाह के ज़मीन पर तुम नाफरमानी ना करो ऐसी जगह तलाश करो उसने क्या कहा कहा कि तो सारी जमीन अल्लाह की है सारा मुल्क सारी दुनिया अल्लाह के हम कहां जाएंगे तो फरमाया कि जब सारी मुल्क अल्लाह की है तो अल्लाह के मुल्क में अल्लाह के राज में तुम नाफरमान उसकी नाफरमानी करोगे जिसका राज है तुम्हारा दिल नहीं दहलेगा इसी तरीके से तुम तुम्हारा तुम्हें शर्म नहीं आएगी कि तुम उसके राज में राज में उसकी मिलकियत में तुम उसकी नाफरमानी कर रहे हो दूसरी चीज हुई फिर उसने फरमाया कि अल्लाह तुम पर रहम फरमाए तीसरी चीज क्या है फरमाया जब तुम बुराई का इरादा करो तो ऐ, ऐसी जगह छुप जाओ कि अल्लाह तुम्हें देख ना सके अल्लाह तुम्हें देख ना सके क्यों इसलिए कि तुम उसकी नाफरमानी करोगे और उसको दिखा करके तुम्हारा ये ईमान भी हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है और उसके सामने इतनी नज़ें बाहर कर उसकी उसकी नाफ़रमानी मेरे भाइयों क्या ये ये हमारे दिल को दहलाने वाली नहीं है यानी उसके वो देख भी रहा है और हम हमारा दिल इतना सख्त है कि हम उसके सामने उसकी निगाह के सामने उसकी नाफरमानी करें क्या तुम अल्लाह से शर्मिंदा नहीं होगे इस तरीके से अगर ये ईमान होगा ये सूरत होगी तो तुम गुनाह से बच जाओगे फिर फरमाया कि इब्राहिम चौथी चीज़ बतलाओ फरमाया कि चौथी चीज ये है कि जब मलकल मौत आए और यह हदीस में है कि जब इंसान के मौत का वक्त होता है तो उसको पता चल जाता है जब मलकल मौत आए तो उससे कहो कि मुझे मोहलत दे दे उससे कहो कि मुझे मोहलत दे दे ताकि मैं तोबा कर लूँ और उसकी फरमाबरदारी कर लो। जब मलकल मौत आए तो तुम उससे कहना कि ए मलकल मौत मेरी जिंदगी साठ साल की हो चुकी मैंने रब की फरमाबरदारी नहीं की है तुम मुझे मोहलत दे दो मैं उसकी फरमा बरदारी कर लूँ क्यों इसलिए कि जब मलकल मौत को देखेगा तो उसको यकीन हो जाएगा कि उसकी मौत है। इसलिए आज हम लाख चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कहने वाले अल्लाह की तरफ डराने वाले चिखते हैं, चिल्लाते हैं बुलाते हैं आओ नमाज पढ़ो आओ कामयाबी की तरफ पांच मर्तबा अल्लाह के घर से हमें निदा दी जाती है अरे बंदो कामयाबी तलाश करते हो आओ अल्लाह के घर में कामयाबी है लेकिन हमें एहसास नहीं होता है जब आंख से अपनी मौत को देख लेते हैं तब मांगते हैं मोहलत ऐसे सूरत में उस शख्स ने कहा कि इब्राहिम अल्लाह तो फरमाता है कि इदा जा جاء جاء اجل اجلهم لا अजा ساعه ولا يستقدمون कि जब मौत का परवाना आ जाएगा जब उसका मुकर वक्त जब इंसान के आ जाता है तो फिर उसको किसी भी लम्हे की उसको मोहलत नहीं दी जाती है फरमाया जब यह मालूम हो तो तुम रब की नाफरमानी करोगे जब यह मालूम हो जाए तो तुम अपने रब की नाफरमानी करोगे फिर उसने कहा कि इब्राहिम अल्लाह आप पर रहम करे पाँचवीं चीज़ क्या फरमाया पांचवी चीज़ यह है कि जब तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा फरिश्ते लेके जाने लगेंगे तो तुम कहना मैं नहीं जाऊँगा तो तुम मत जाना वो शख्स कहने लगेगा रो दिया वो वो रो दिया वहां पर कैसे नहीं जा सकेगा जब फरिश्ते जकड़ करके जंजीरों में और उसको जहन्नम की तरफ लेकर के जाएंगे क्या उसको यह अख्तियार होगा कि वो उनसे भाग जाए है? उसके गुंडे और ये सब आज आ करके उसको फायरिंग करके और उसको बचा के ले जाएं होगा उसको इख्तियार नहीं होगा उस वक्त उसको इख्तियार नहीं होगा नहीं कह सकता है कि मैं जहन्नम में नहीं जाऊंगा उस शख्स ने रो दिया और उसने अल्लाह से अहद की कि अब मैं दोबारा रब की नाफरमानी नहीं करूँगा इसलिए मेरे भाइयों ये सारे सवालत हैं अल्लाह ने जो हमें उम्र दिया है इस उम्र के बारे में हमसे पूछा जाएगा अल्लाह ने हमें जवानी दी है जवानी के बारे में हमसे पूछा जाएगा अल्लाह ने हमें माल दिया है इस माल के बारे में हमसे पूछा जाएगा अल्लाह ने हमें इल्म दिया है उस इल के बारे में हमें पूछा जाएगा और फिर यह भी पूछा जाएगा कि वो माल तुमने कहाँ खर्च किया है माल में दो सवाल हैं माल वाले में दो सवाल हैं वो दो सवाल मिल करके पांच हो जाते हैं इसलिए मेरे भाइयों आप देखिए कि अल्लाह तबारक तआला ने ये सारे सवालात हमारे लिए बतला दिए कि नहीं बतला दिए हैं वो कयामत के दिन जब तक ये पांच सवाल के जवाब हम ना दे दें उस वक्त तक हमें हमारे पैर आगे नहीं बढ़ सकते हैं हमारे कदम नहीं हट सकते हैं इसलिए अब किसका दिल इस बात पर गवारा होगा ये जानते हुए कि हमें जुल जलाल के सामने हाजिरी देनी है माँ यौमिद्दीन हम कहते हैं हर नमाज में उससे कहते हैं कि अल्लाह हमें तेरे सामने हाजिर होना है और जिस दिन हाजिर होना है जिस जगह हाजिर होना है जिस वक्त हाजिर होना है उस वक्त तेरे सिवा कोई मालिक नहीं होगा और फिर हम हमारा ये गवारा करेगा कि हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे मेरे भाइयों हमें चाहिए इन तमाम चीज़ों का जवाब देने के लिए सिर्फ़ एक चीज़ है जो हमें मिल जाए हमारा बेड़ा पार हो जाएगा और वो क्या है नबी सल्लम ने क्या फरमाया था कि अल्लाह नफ्सी तकवा मेरे रब तो मेरे नफ्स को अपना डर फरमा दे अपना डर अता कर दे खौफ अता कर दे तो जिसको मेरे भाइयों ख़ौफ मिल जाए अल्लाह का डर जिसके दिल में बैठ जाए जो मुतकी हो जाए तो फिर मुतकी अल्लाह के नाफरमानी नहीं कर सकता है अल्लाह ने उसको उम्र दिया उस उम्र को रब की नाफरमानी में नहीं गुजार सक गुजार सकता है अल्लाह ने उसको माल दिया है उस माल को भी वो रब की नाफरमानी में नहीं गुज़ार नहीं खर्च कर सकता है क्यों इसलिए कि उसको पता है कि अल्लाह तबारक तआला उससे इस माल का हिसाब लेगा और जब हम गलत तरीक़े पर उसके नाफ़रमानी उसने जिस जिस, जिस, जिस जगह खर्च करने के लिए हमें हुक्म दिया है उस जगह हमने माल को ख़र्च नहीं किया है तो हम अपने रब के सामने क्या जवाब देंगे मेरे भाइयों आज हम अपना मुहासबा करें और हमसे अप अपने आप से पूछें कि आज जो हम माल अल्लाह देता है हम कितना ख़र्चा करते हैं आज का आलम तो ये है बड़े बड़े लोग गरीबों को तो छोड़ दीजिए जिनकी तनख्वाहें कम हैं उनको छोड़ दीजिए लेकिन बड़े बड़े लोग क्या करते हैं उनके उनकी तनख्वाहें दस हज़ार होती हैं पाँच हज़ार रियाल होती हैं आते हैं इस्लामिक सेंटर में कहते हैं कि क़ुरान तर्जुमे वाला फ्री में आया है कि नहीं आया है ये तकवा है अपने बीवी के लिए ऊपर से नीचे सोने में पिरोए होंगे घर में बड़ी स्क्रीन वाला टेलीविजन मौजूद होगा तीस पचास हजार की रियाल की गाड़ी लगाती लक गाड़ी झलझलाती जल नई गाड़ी मौजूद होगी और अगर नहीं खरीद सकते हैं तो चालीस रियाल का कुरान नहीं खरीद पाते मेरे भाइयों क्यों इसलिए कि वो ये समझते हैं कि इसकी कोई अहमियत नहीं है इसकी कोई कदर नहीं है अगर ये पता चल जाए तो कोई बंदा ये ना कहे बल्कि आकर के कहे शेख अगर किसी को जरूरत पड़े तो ये कुरान उसको हमारी तरफ से हदिया कर देना ये होना चाहिए मोमिनों को तो ये होना चाहिए कि यह इस्लामिक सेंटर है यहाँ पर गैर मुसलिम आते हैं इस्लाम को समझने के लिए लो मेरे तरफ से पचास रियाल ले लो और इसको उनके लिए किताबें उनके लिए लिटरेचर उनके लिए मसह कुरान का तर्जुमा ये खरीद करके उनको दे देना हो सकता है उसको समझ में आ जाए लेकिन आज मुसलमान अपने लिए अपने पढ़ने के लिए चालीस रियाल बीस रियाल का कुरान मरीज नहीं खरीद सकता है क्यों बड़ी खुशी से अपने बीवी के लिए कंगन खरीद देगा बड़ी खुशी से अपने घर को सजाने के लिए दुनिया भर के पैसे खर्चा कर देगा लेकिन मेरे भाइयों कभी उस कब्र के बारे में गौर किया है कि जिस कब्र में उसकी प्यारी बीवी नहीं जाएगी उसके बेटे नहीं जाएंगे जिनके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया है वो भी नहीं जाएंगे बल्कि जाएगा तो उसका नेक अमल जाएगा इसलिए आज मुसलमानों का आलम यह है आज मुसलमानों का आलम क्या है पूरी जिंदगी देख लीजिए पांचों सवाल में से कोई एक सवाल देखिए जिस पर हम खड़े उतरे हैं कि अल्लाह के यहाँ हम जवाब दे लेंगे चाहे वो हमारे उम्र के बारे में हो नमाजें हम नहीं पढ़ते हैं रब की इबादत से हम दूर हैं शिरक हमारे यहाँ हम मौजूद है रब की नाफ़रमानी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी सब हम आगे बढ़कर करते हैं यह भी नहीं कि पीछे आगे बढ़कर के रब की नाफ़रमानी करते हैं मुसलमान इन सब में आगे है शिरक में आगे नमाज को छोड़ने में आगे जुल्म करने में आगे हसद करने में आगे क़ा रहमी में रिश्तों को बांटने में तोड़ने में उसमें भी आगे और इस तरीके से जितनी भी बुराइयां पाई जाती हैं चगल खोरी सब जो भी बुराई हो कोई ऐसी बुराई बता दें कि जो इस्लामी माशरे में नहीं है शर्क से लेकर सब बुराइयां, इस्लामी माशरे में नहीं पाई जाती हैं सारी बुराइयां पाई जाती हैं सारी बुराइयां हैं और कोई ऐसा अमल इल्ला माशा अल्लाह हमारा नहीं है कि जो ये साबित करे कि हम अपने रब से कि हम अपने रब से खुश हैं मेरे भाइयों दुनिया इसीलिए अल्लाह तआला ने फरमाया कि शैतान ने फजैम शैतान अमालहुम बड़ी खूबसूरत दिखती हैं दुनिया बड़ी खूबसूरत दिखती है, है। मुख्तलिफ़ रंग बिरंग की चीज़ें हमारे सामने पेश की जाएंगी दुनियावी चीज़ें लेकिन ये रंगीनियाँ अल्लाह फरमाता है शैतान की तरफ से है कि जिसने तुम्हारे बाप से सजदा करना तुम्हारे बाप की तज़ीम जिसने गवारा नहीं की और जिसने रब के सामने ये वादा किया है कि हम इनके आगे से इनके पीछे से इनके दाएं से इनके बाएं से इनके रास्ते में हर तरफ इनको हम गुमराह करने की कोशिश करेंगे और आज शैतान तो शैतान हम उसके भाई बने हुए हैं हम उसकी मदद कर रहे हैं हम भटकने के बजाय भटकाते हैं हम भटका रहे हैं लोगों को शैतान हम बने हुए हैं कब वो वक्त आएगा मेरे भाइयों? अल्लाह फरमाता है हम वो वक्त कब आएगा कि जब अल्लाह के जिक्र से दिल दहल जाएं, अल्लाह के जिक्र से दिल रेजा रेजा हो जाए और वो कैफियत किन की थी वो कैफियत सहाबे के राम रजवा अज़म़ाइन की थी कि नबी पाक अलैहि वसल्लम की एक नसीहत सुनते थे रोंगटे खड़े हो जाते थे आँखें बह पड़ती थीं और हमारा आलम क्या है कि हम अभी इधर से गए और ऐसे हो जाएं गोया हमने कुछ सुना ही नहीं है ऐसे हो जाए गोया हमने कुछ सुना ही नहीं है हमारी जिंदगी में कोई इनकलाब नहीं हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं कोई परिवर्तन नहीं कुछ भी नहीं जैसे आज हैं वैसे इस प्रोग्राम के बाद कल भी रहेंगे जैसे आज हमारा रहन सहन है वैसे इसी प्रोग्राम के बाद कल भी रहेगा आए थोड़ी देर के लिए इस्लामिक सेंटर में हमने हाजिरी दे दी मेरे भाइयों हम दुआइए करेंगे कि अल्लाह तबारक हमें उन खुश नसीबों में शामिल करे कि जिन्होंने सुना और उसके ऊपर अमल किया आमीन सुम्मा आमीन। इसलिए कि अल्लाह तबारक ने मोमिनों की जो सिफात बतलाई हैं क्या फरमाया, अल फरमायादी फैन अहसना कि मोमिन वो हैं अल्लाह के नेक बंदे वो हैं कि जब अल्लाह की बातें सुने तो उसके ऊपर अच्छे तरीके से अमल करें अच्छे तरीके से अमल करें इस मजलिस में हम ये वादा करें और अल्लाह तबारक व तआला से वादा करें अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करें कि दुनिया की ज़िंदगी जो गुज़रनी थी गई हम अपने रब के करीब हो रहे हैं कबर के करीब हो रहे हैं मौत के करीब हो रहे हैं और अल्लाह से हम ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक वाल हमारी जो पिछले तमाम गुनाह लगदशें तमाम ये अल्लाह माफ फरमाए और अब हमारी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा करे अब फजर की अजान सुने हमारी हिम्मत ना पड़े हम फिर नरम गर्म बिस्तरों में पड़े रहने की जहर की अजान सुने हमारी हिम्मत ना रहे अपने काम में मशगूल रहने की अशर की अजान सुने हमारी हिम्मत ना रहे हमारा दिल गवार ना करे कि हम कैलूला करते रहें सोते रहें मग़रब की अजान भी सुनें हम अपने कारोबार में मशगूल न रहें ईशा की अजान भी सुने और हम अपने कारोबार में मशगूल न रहें बल्कि असल कामयाबी की तरफ हम फ़ौर पलट जाया करें ये हमारा मुहासबा है हम अपने नफ्स का जायज़ा लें कि हमारे नफ्स में सुधार आया कि नहीं आया इस्लामिक सेंटर के इस प्रोग्राम से हमारा सुधार हुआ कि नहीं हुआ हम हमारे दिल दे कि नहीं दे वो पांच सवाल जो बंदा अपने रब के सामने उसका जवाब देगा क्या हमने उस पांच सवाल को हमने इस दुनिया में उसके लिए इंतज़ाम किया कि नहीं किया एहतमाम किया कि नहीं किया और मेरे भाइयों ये हक़ है ये हक़ है कि हम सब को यहाँ इस दुनिया से जाना है और हम सब को मुन्नासु आलमीन वही आयत करीमा पहले भी और वही आयत करीमा आखिर में भी हमारे दिलों को झंझोड़ने वाली है याद करो उस दिन को यौम नासु मुन्नासोले आलमीन कि सारे लोग जब आलमीन के सामने होंगे रब के दरबार में होंगे आलमीन के दरबार में होंगे उस वक्त कौन हमारे काम आएगा कोई इस काम नहीं आएगा किसी का दामन नहीं होगा किसी का दामन पकड़ करके आप उसकी बख्फरत की गौ से आज़म नहीं होंगे गरीब नवाज नहीं होंगे वारिस पाक नहीं होंगे बंदा नवाज नहीं होंगे दातागंज हजवेरी नहीं होंगे कोई नहीं होगा अगर होगा तो वो होंगे जिनके बारे में अल्लाह उजल ने फरमाया है कि कुरान शिफात करेगा शुर बकरा शिफात करेगा नबी अल्लाह जद के बारे में हुक्म देगा नबी उनके बारे में शिफायत करेंगे हाफिज कुरान उनके बारे में शिफायत करेंगे कभी हमने ये कहा कभी हमने तस्वूर कियाबी हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं मेरे भाइयों उस आलमीन के सामने हाजिर होने से हमें डरना चाहिए हमें डरना चाहिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसोल्ला अलैहि वसल्लम कुरान पाक को पढ़ कर के रोते थे अल्लाह के अज़ाब को याद करके रोते थे अल्लाह के नेमतों को पाने के लिए कोशिश करते थे आज हम हैं बिल्डिंग बनाने के लिए कोशिश करते हैं आज हम हैं दुनिया हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं आज हम हैं लोगों को खुश करने के लिए कोशिश करते हैं कभी हमने अपने मबूद की खुशनुदी नहीं चाही, इसलिए ये पांच सवाल अपने जहन में रहें आपके जहन में रहें आपका उम्र आपके जहन में रहे आपकी जवानी आपके जहन में रहे और आपने जो सुना है जो इल्म हासिल किया है वो भी आपके जहन में रहे कि इन के बारे में हमें अपने के सामने जवाब देना पड़ेगा और आपका माल भी आपके सामने रहे आपका माल भी आपके सामने रहे कि अपने इस माल को आपने कहां खर्च किया है कहां से कमाया और कहां खर्च किया है आप मेहनत करके हलाल तरीके से कमाया लाकर गुटखा खा लिया शराब पी ली टी वी फिल्मों में खर्च कर दिया गलत प्रोग्रामों में जाकर के खर्च कर दिया नाजायज कामों में हमने खर्च कर दिया युमयन्नासल आलमीन जब याद करो उस दिन को कि जब लोग रब्ब आलमीन रब के सामने हाजिर होंगे खड़े होंगे मुजरिम बन करके खड़े रहेंगे सब सारे के सारे जब तक फैसला नहीं होगा सब मुजरिम बने रहेंगे जब तक फैसला नहीं होगा नबी भी कहेंगे नफसी नफसी जो मैंने पहले भी कहा था नबी भी कहेंगे नफसी नफसी और सारे के सारे लोग कहेंगे अम्बिया कहेंगे औलिया कहेंगे सब किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी रब के सामने लब हिलाने की उस वक्त को याद किया हमने उस वक्त को याद किया अगर मेरे भाइयों उस वक्त को तो अगर हम याद कर लें मौत को अगर हम याद कर लें कब्र की तारीखी को अगर हम याद कर लें तो फिर हमारी नींद उड़ जाएगी मेरे भाइयों और तब हमें अल्लाह की इबादत में मजा आएगा क्याम करने में मजा आएगा तिलावत कलाम पाक में मज़ा आएगा और जब सर हमारा सजदे में पड़ जाएगा तो उसमें दुआ करने में मज़ा आएगा अपने रब से मांगने में मज़ा आएगा मेरे भाइयों इसलिए आज हमें ना इबादत में मजा आता है ना नमाज में मजा आता है ना क्यामिल्ल में मज़ा आता है ना खर्च करने में मजा आता है वजह क्या है कि हमें वो रूह नहीं मिली वो ईमान की ताकत हमें नहीं मिली वो तकवा रोजा रख करके भी हमें नसीब नहीं हुआ वो तकवा रोजा रख करके भी हमें नसीब नहीं हुआ इसलिए हमें क्या करना है अब हमें क्या करना है हमें नमाज पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है इन अब हमें अपनी जिंदगी किनके मुताबिक गुजारनी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह है कि नहीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अब हमें मांगना तो किससे मांगना है अल्लाह से मांगना है अब हमें सर झुकाना है तो किसके सामने अल्लाह के सामने झुकाना है मेरे भाइयों अगर ये हमारा जज्बा पैदा हो जाए अपने नबी की मोहब्बत हमारे दिलों में घर कर जाए जिस तरीके से साहब के राम रजा मजमाइन के दिलों में घर कर गया था तो फिर वो लोग रब की राह में उम्र कुर्बान कर दिया माल कुर्बान कर दिया जवानी कुर्बान कर दी इम भी कुर्बान कर दिया कर दिया कि नहीं कर दिया तो जब रब की राह में ये पांचों चीज़ें हम कुर्बान कर देंगे तो अल्लाह तबारक को ताल हमारे मुश्किलों को आसान कर देगा इसलिए मेरे भाइयों हम अपने रब की मर्ज़ी को तलाश करें और अपने नबी सल्ला वसम के तरीक़े को तलाश करें अल्लाह तबारक व ताली हम सब को नबी नबी करीम सल्ला वसलम के सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की अता फ़रमाए व आखर उदावाना अनहमदिल् रबालमिन वालक वरमि वबरको